कुछ कालिदास महोत्सव कुशल दिन कालिदासक मैथिल पर परिसंवादक अध्यक्ष यशस्वी विद्वान कुलपति आदरणीय सत्यनाथ भाजी मंच पर विराजमान डॉक्टर रघुनाथ दिवाकर जी, तारानंद योगी जी, डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी, संदीप झा जी, एहि कार्यक्रम के लगातार कै दिन से दिन राति लागल महीनों से लागल हमर सबके अनुमंडलाधिकारी मनीषा मेन और एहि कार्यक्रम के संयोजक आ हमरा मिथिला मैथिली के उदीयमान साहित्यकार आवे वाला दिन में जिनमें बड़का साहित्यकार और अभियानी स्वरूप दिखाई है से श्री दीप नारायण विद्यार्थी जी अकरा में लागल ललित जी जे नौकरी करे अपना पेशा में तैयो मिथिला मैथिली सेवा में लागल रहे संगीत में भी अपता के लगेने सबसे बड़का हिंदर काज है मिथिलाक्षर केना आगा बढ़त स्वयं मिथिलाक्षर के ज्ञान अर्जित करें हैं पर दोसर तो मिथिलाक्षर केना आगा बढ़त में लागल आप एक कार्यक्रम के बाद तो एक मैथिली के नीक उद्घोषको हमरा सबके भेट गए से ललित जी नीचा बैठल फिल्म के निर्देशक जी उच्चैठ बसैठ कॉलेज के प्राचार्य मदन कुमार कर्ण जी पत्रकार हिंदुस्तान के मदन जी और दैनिक जागरण के अमोद जी और जो अच्छा शरीर दिखाए थे सबके प्रति सम्मान व्यक्त करे और बाकी जे सामने छी बैसल आई नया चीज लगी है तेसर कार्यक्रम जरूर है लेकिन वर्ष पांचम छे 2019 में कार्यक्रमों शुरुआत थे सर दो वर्ष 20 और 21 में कोरोना के कारण बाधित थे 22 से फिर शुरू हो जाती तेसर चीज लेकिन सेमिनार में आवे वाला पीढ़ी धिया पोता सब बैसल सर और उनका अभिभावक सके एक कॉलेज के सेहो लोग सब के कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स से बैसल तीन स्वरूप भ रहा है बार बार कहे दीप नारायण जी जे कोनो कंपेरिजन करा काज नहीं छे हमरा सबके हर बेर अनुभव हो अनुभव से हम सीखे छी नया नीक करे के प्रयास करे छी निश्चित रूप से तेसर बेर करे छी तो जत्ते बेर हमरा सबके जे कठिनाई भेलै ते में सुधार भेलै आप हम नीक दिश बढ़ रहा छी आवे वाला दिन में और नीक हम सब करब से हमरा लगे हमरा बारे में क्या क्या बात हो रहा हम विधायक छी और हमर जे कार्य पेशा है जे से बुझले सब गोटे के ते में हमारा विद्वान कहना है तो बिना रोइया ठाड़ भेने दोसर बात नहीं हो हम अहा कह सके छी जे हम एक्स्ट्रा प्लेयर छी एहि बेर जहन क्रिकेट मैच होइत रहे तो ईशान कृष्ण बिहारी छथि तो हुनका से कै बेर भेंट हुई ओ घटना कारण हमरो सिलेक्शन भेल हम पूछी ईशान किशन रन बनेला कहलको तो खेलेबे क्या हम बोलो खेलेला केहन ओ एक्स्ट्रा प्लेयर छथि हुनका तो एक्स्ट्रा प्लेयर छथि जे जरूरत हुए तो हुनका खेला देते तो हमहू एहि विद्वानक बीच में एक्स्ट्रा छी जरूरत लगा देता हमर जे ज्ञान है हमर जे ज्ञान है से मंच पर बैसल लोग या वाक्य लेखक हुनकर पढ़ल किताब या ओकर उत्कंठा के कारण जानल बुझक बात है तो इस श्रेणी में हम नहीं छी लेकिन हमरा अपना भाषा से अपना संस्कृति से बहुत लगाव है अब बहुत लगाव है तकर बारे में हम बहुत नहीं कह चाहब हमर रहन सहन खान पान सलाह का सब किस लगित रही है जे अकर संरक्षण हेबाक चाहिए आवे वाला पीढ़ी एक बुझक चाहिए
तैं द्वारे एहिमे बहुत हम इंटरेस्ट लाके काज हो से इच्छा रही है, पता नहीं कते हो पबै छी। आइ बहुत जरूरी छे कि हमरा समाज ई बुझे, समाज बुझे, दुनिया बुझे जे कालिदास मिथिला में जन्म लेला आ ओ आही ठा विद्वान भक दोसर ठाम गेला। एमे काफी कठिनाई छे हमरा सबके बुझल अछि। विद्यापति के बारे में सेहो बंगाल में चर्चा हुआ लगले जे ओ बंगाली छला, ओकर निराकरण भेलै। तहिना हम सब भी प्रयास में छी जे कोना एकर निराकरण होय। हमरो सबके मन मानैए कि उज्जैन में ओ रहला और लंबा समय से बहुत तक रहला, लेकिन वो उज्जैन में जन्म नहीं लेगा, जना उज्जैन में ऐसा दावा करे थे। वो उज्जैन में पढ़ला लिखा जो दावा करे थे से हमला जनित सही नहीं थे। ये स्थापित हो दुनिया माने एक आठवा और था के विद्वान से हो एक पर दावा कलकिन है कश्मीर में या और क्या ठमान ये कालिदास उत्तर पैदा भेज चला ठीक चीज हो देते। वो विद्वान अपना कसौटी पर दहन एकरा खड़ा उतारता और ये स्थापित हेते। हमारा विश्वास है कि जरूर स्थापित हेते और दुनिया जना विद्यापति के मानल के तेना आबे वाला दिन में दुनिया मानते कि कालिदास मिथिला में पैदा हुआ, मैथिल छला और मिथिले में पढ़ के विद्वान भक्का बाकी थमान गेला। ऐसे तो डॉक्टर रामनाथ दिवाकर जी एक नया काज करे, वो एक कदम आगा बढ़ा कर वो कहती उनका निधन श्रीलंका में हुआ। आय पर काफी खोजी किताबों को रचना कर यह सब रास्ता छी, यह सब प्रयास छे एक स्थापित करते विभिन्न रूप से जन्म लेला मिथिला में विद्वान बनला आगा बढ़ला उज्जैन गेला पाटलिपुत्र गेला बहुत ठा गेला आ महाप्रयाण कर श्रीलंका जा सब स्थापित हो करते। एक भारी समस्या हमारा सब विद्वान में है। आज के विद्वान गप नहीं कही थी, समस्या ये थी कि वो सब एक से एक किताब लिख रहा कालिदास से महान विद्वान ओ कुमार संभव और रघुवंश से लड़कर मेघदूत मालविका के मित्र से लड़कर एक से एक किताब अभिज्ञान शाकुंतलम के रचना करें, लेकिन वो अपन जीवनी नहीं लिख रहा, नेको से लिखे अन्य उस समय के इतिहास भूगोल के जानकारी से और ये कठिनाई मिथिले का में नहीं थे संपूर्ण भारत में थे। बरसों तक ऐसा के इतिहास के बारे में बीच के पीरियड में लोग के ये बात के अंदाजे में रहे जे इस सच्चाई पर ध्यान में रहे। हमारे स्रोत किए आ सके बुझल बाहरी से वेला वो लिखल थी तहन ऐसा के बारे में पता चल ले जो वो जगह केहन छल हेतै। ऐसे 3000 साल पहले वो मेरा स्थली जावत खुनसान आवत फाहियान आवत वो इब्न बतूता आवत या अलबरूनी आवत। उनकर किताब के आधार पर हम सब तय के लोग वो नालंदा विश्वविद्यालय हो वो बाकी खंडहर हो या बाकी चीज हो सब उनकर सबके किताब के आधार पर स्थापित भेल। काफी मेहनत भले अखलो तो को मेहनत चालू छे। ऐने एक क्या विशेषता है अंग्रेज सब के, अंग्रेज सब के डॉक्यूमेंटेशन के बहुत स्वभाव है। वो सब बहुत डॉक्यूमेंटेशन के और वो सब बहुत खोज के हमारे अपना मोन पर इसे डॉक्टर करीम है वो एला आर्कियोलॉजिकल जो वो जे किताबक रेफरेंस रहे उनका सब है जिनका हम कभी काल पहले नाम करो वही रिफरेंस सब के आधार पर वो इतना जगह खोजल है। अगर खुदाई शुरू भले और तकर बाद बाकी चीज के खोज भले कोनो भी संस्कृत के ग्रंथ में या हो के विद्वान बैसल है अत्यंत बड़का सोमनाथ मंदिर ध्वस्त कर गए तो अलबरौनी के किताब में जरूर भेटे थे, लेकिन साहित्यकार संस्कृत में भेटे थे कि नहीं हमारे पर अखनो शंका है।
तो हमारा सब में लिखे के शोभा नहीं रहा जो हम सब लिखी अगर डॉक्यूमेंटेशन होते हम अपन साहित्यकार के कही कहे अहां सब बाकी चीज तो लिखे अभी हम धन्यवाद देवन डॉक्टर महेंद्र नारायण राम के डॉक्टर महेंद्र नारायण राम हमारे जति लोग नायक है वो दीना भद्री है वो बाकी लोग है जिनका बारे में हमारा सबके ये जानकारी है कि डॉक्टर महेंद्र नारायण राम के खोज से खोज के लिए लिखा तेना हमारे इतिहास पुराने तक खोज अहां सब करबे अहां सब लिखबे आने वाला पीढ़ी बुझते अपनों के विद्वान सब के हम कहे छे कि अहां सब अपनों बारे में लिखियो और अहां के अहिठा के सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था बुझाई है तक चर्चा किताब में हेबक चाहिए जो आने वाला पीढ़ी के आय के दिन के पता लगते हम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बायोग्राफी पढ़ी थी तो सिर्फ पंडित जी के बारे में बात जानकारी नहीं मिली उस समय देश की क्यों परिस्थिति रही से हम बुझे छे तहना ही सब मुझे लिखती तो कब जानकारी हेतु किस लोग बाद के दिन में केला लेकिन अपनों को बहुत कम जरूरत जरूरत है मिथिला में तो और बेसी कठिनाई है देश में जबकि खुदाई भरी है मिथिला में सारा खुदाई बाकी है अहम का इलाका के लोग के प्रति आभार और धन्यवाद देखिए जो उन जगह में सुरक्षित रह देने से हम बाबू बरही प्रखंड में हमारे घर है ओहिठा बलराजगढ़ से हम कहे कि सै बीघा से कम नहीं है आकर खुदाई आज तक नहीं भरी लेकिन लोग अखन तक उन्हें इंक्रोच नहीं कर से जयमंगलागढ़ से लौकर नेपाल में सिमरनगढ़ या बाकी चीज जगह खुदाई बाकी है तो अले माहौल बनने की जरूरत है कि हमारे इतिहास है इसमें खुदाई में दबल है हमारे इतिहास के स्रोत किए हमारे इतिहास के स्रोत किए से हमारा कोई स्रोत के ताकत है अपन इतिहास को उजागर कर पड़त ये समाज अपना पूर्वज के गौरव से गौरवान्वित है वह समाज संस्कारी समाज का है और वह समाज स्वाभिमानी समाज का है तो मैथिली समाज संस्कारी और स्वाभिमानी है अपन गौरव के लगातार खोज करते रहे से आवश्यक है कि हमारे की गौरव का तत्व छुपल है और एक महत्वपूर्ण गौरव है कि कालिदास हमर मिथिला पुत्र छला वो स्थापित कौन है कम प्रयास नहीं भरे आए एक हमर मित्र दिल्ली से एक बहुत पैघ डॉक्यूमेंट भेजला है हम ओकरा पढ़ नहीं सकल 11 जुलाई 1959 सौराठ में एक कालिदास का सम्मेलन तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू श्रीकृष्ण सिंह शायद शिक्षा मंत्री कुमार गंगानंद सिंह उपस्थित रहे और डॉक्टर लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी गांधा चीफ जस्टिस हाईकोर्ट पटना से रिटायर हो चुके थे वो अगर स्वागत भाषण के लिए उनको स्वागत भाषण हमारा भेज ले उनको सबके उत्कंठा छ कारण की छे कारण की छे कालिदास मिथिला के छला उनको सबके उत्कंठा छ बाबू श्रीकृष्ण जी पूरा दिन बैस को सुनलखिन सौराठ में उनसे किसी में कारण ये चले कि हमारा सबके किंवदंती में कालिदास जीवित है घर घर में कालिदास जीवित है हमर दाय हमर मैं हमर काकी के अनेक किस्सा में कालिदास जीवित है किंवदंतियों इतिहास के पाठ से किंवदंतियों इतिहास के धरोहर से कि बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी और किंवदंती कोना चले आ रहे थे कि कालिदास कोना संस्कृत विद्यालय में रहे बाहर में केना विकास गला और उच्चैठ माता भगवती की केना बेरखा लगवा लगल थी सलोक उनका विवाह उनका बाकी चीज के बारे में एक विद्वान किताबों लिखल गया कि साहित्यिक रूप से कि ऐतिहासिक रूप से और किस एक किंवदंती के आधार पर अनेक किताब
कल संजय जी चर्चा करे चला लक्ष्मण भाई किताब हम लेकर लिखे तो अब अनेक लोग एक किताब सबके उत्कंठा है लेकिन ये स्थापित नहीं भर रहा है। अरे ये स्थापित हुई की दिशा में ये वर्ग का कदम छे कदम छे एहन एहन सेमिनार जे रेलीपट्टी में आए कालिदास उच्च महाविद्यालय में परिसंवाद आयोजित है ये वर्ग का प्रयास छे और ये मूल प्रयास छे जे ऐसा स्थापित हेबाक दिशा में हम सब लगातार आगा बढ़ब लगातार एक दिशा में हम सब आगा बढ़ब ये ठोस प्रयास छे जे हम सब आई कर रहल छी। अगला हेते यदि डॉक्टर यदि दीप नारायण जी और रवि जी चाहे थे कि हम सब इच्छा छे तो इच्छा पूरा हो प्रयास करू आ संजोग से अहा के अनुमंडल अधिकारी से हो सुधी अनुमंडल अधिकारी से बुझनी अनुमंडल पदाधिकारी से बुझे वाली से अहा अगर रूपरेखा तैयार करू कि केना हम सब कालिदास अकादमी का स्थापना करब ओकर रूपरेखा की हेते और कोना बनते की हमारा सवाल भूमिका है कोई भूमिका ले हम तैयार ओ भूमिका हम से ओ भूमिका हम निश्चित रूप से भूमिका ले हम तैयार छी और हमार तो निश्चित मान्यता है कि कालिदास मिथिला में पड़ गए अनेक तरह भ्रांति है अनेक तरह से सब में हो सब पैघ लोग को हो इसी के बारे में बाकी के बारे में लेकिन एक बात जो हम तो बच्चा से पढ़े करो है उसे ये कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में नौ रत्न में एक रत्न छा हम छठी क्लास में रही तो हमारा आज तक नहीं बिछरा है ये मास्टर साहब छड़ी लगा हमारा याद करने रहे कोई नौ नवरत्न के नाम कालिदास भरमुची अमर सिंह छपनक बेताल भट बड़ा मेहर धन्वंतर नवो नाम याद करने रहे थे निश्चित वो विक्रमादित्य के युवा स्थापित भ रहा है जो समुद्र ओ गुप्ता पीरियड में चौथी सदी में से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो चंद्रगुप्त नहीं मौर्य पीरियड वाला नहीं बाद वाला चौथी सदी वाला ये सर चंद्रगुप्त द्वितीय है वो क्या विक्रमादित्य नाम रखने से वो इतिहास एना मेल खाई है जो विक्रमादित्य 375 ईस्वी से लगकर 415 ईस्वी तक उनका शासन भरलन और वही 375 से 415 के बीच लगातार कालिदास उनका समय चलते और उनकर राजधानी लंबा समय से पाटलिपुत्रा में रहले और पाटलिपुत्रा में रहला तो कालिदास उनका संगे पाटलिपुत्रा गए थी उनका संगे पाटलिपुत्र में रह थी और उनकर बेटी के ब्याह रहे हैं प्रभावती के 385 ईस्वी में और वही में कालिदास के लिखल मालविकाग्नि मित्र के न मंचन भले वही में तक अनेक प्रमाण छे और संगे इहो प्रमाण छे जे 397 ईस्वी में शक राजवंश के मालवा के शासन अंत भले और मालवा शासन के वो शक शासन के अंत के बाद मालवा में के शासन टेक ओवर कला है गुप्ता वंश और यह चंद्रगुप्त द्वितीय 397 के बाद उज्जैन गला और जहां वो उज्जैन गला है तो उनका स्वाभाविक रूप से कालिदास संग में गलखिन और कालिदास उनका संग गलखिन है तहन उज्जैन में रहला और लगातार रहला हमारा ऐसा एगो परंपरा थे जो लोग नौकरी करा दे जाए पहले आपने कलकत्ता परिवार गांव पर रहे वह परिस्थिति कालिदास ने शायद भेल हेते विद्योत्मा मिथिले में रह गए थे तो अनेक विद्वान के किताब से हमारा पता चलिए कि जो हम मेघदूत लिखे थे तो मेघदूत में जो वो मेघ के यक्ष के माध्यम से वो कहे थे अपना प्रेमिका लग जाए अपना पत्नी लग जाए संदेश पहुंचावे ले तो वो उत्तर दिशा में हो पहाड़ के आसपास हो हिमालय के आसपास हो तहू से लगे तहू से ही प्रमाणित हुए एहन उनका अनेक ग्रंथ है कहल जाए थे जे मिथिला में जहन वो रहे तो अही था वो रचना करे कुमार संभव और वो सुंदर रस के थे यूरोप के विद्वान तक मुकाबला नहीं कर सके 400 साल पहले
तक हुनका ओहिठा साहित्य लिखे के बहुत सामान्य परंपरा रहे या नई परंपरा रहे, लेकिन अत्य दिन पहले चौथी सदी में जो श्रृंगार रस की कविता श्रृंगार रस के पद्य गद्य उनका चयन कुमार संभव में से एक विद्वान हमारा पैठ के सुनबे रहे तो हम आश्चर्यित रहे, हम बैठ नहीं सके बने अ तरह आ कहल गए तो उसके बाद उनका कुछ फूल गए तो किंवदंती से मिथिले बड़ा दुखी मिला कालिदास के एहन बीमारी छो कोना भो कुछ रोग कोना भ तो फिर वो अपने कहें नहीं आप ईश्वर के प्रति जो शब्द प्रयोग हेबाक चाहिए इसे उचित नहीं भेल ओ नहल कीन ओ केश केना उतरले ओ केसक बूंद केना हुनका पड़ले ओ केना नीचा उतरले नाभि तक गेले ओ वर्णन हमरा पढ़ के सुनेला एक विद्वान कोई कुमार संभव नहीं तो हमरो रोमांचित होते रहे और कह सके लगे रहे उकरू हुनका कहलखिन जे आब दोसर रचना ओ कयलनि रघुवंश ओ मिथिले में केला आ रघुवंश के रचना के बाद हुनका जो बीमारी रहे से अपने मोने ठीक भ गेलनि कालिदास से कालिदास फिर स्वस्थ भ के विद्वत काज में लग गए। तकर बाद बाकी किताब जना पाटलिपुत्र हुनका मित्र लिखला नहीं ना बाकी किताब वो बाकी समान लिखला नेट दू दू जैन जाकर लिखला निश्चित रूप से वो अत के अत मिथिला में पैदा भेला मिथिला के रहे वाला सलाह है और मिथिला में हुनकर स्थान स्थापित ते हम धन्यवाद देवे ऐठा आयोजक के खासकर एस डी ओ मनीषा के मनीषा बहन के जो वो प्रयास के लिए वो अपन पक्ष रखा हमें एहन एहन विद्वान अपन पक्ष रखती पक्ष का मीमांसा है पक्ष के व्याख्या है जो पक्ष ओ पक्ष ककर उज्जवल पक्ष तैं हमारा ये निष्कर्ष है हम निश्चित पक्षी कालिदास उच्चैठ में पैदा भेला अत्य पढ़ला अत्य विद्वान भेला अत्य से पाटलिपुत्र गेला अत्य से उज्जैन पाटलिपुत्र से उज्जैन गेला और दुनिया में नाम केला हुनकर लेखनी हुनकर शब्द मिथिला देखाई छै तैं हुनकर मिथिलत्व निर्वाह है कह हम अपना बात के विराम दे कालिदास के प्रति सम्मान व्यक्त करें जय मिथिला जय मैथिली। बहुत बहुत आभार से अहा सब सब गोटे सुनलो कालिदास तू चैठे पे थी